तो यार आज ना सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सोचा चूज़े को थोड़ा सा नीचे खोला जाता है, एक आधा घंटा ठीक है नीचे इसके साथ ही रहूँगा, उसके बाद तो इसको ऊपर ले जाएंगे और एक कोली फीड रख देंगे, जब इनका मन करेगा खा लेंगे, जब मन नहीं करेगा तो घूमते रहेंगे अंदर ही खुड्डे के अंदर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इसलिए इसको आज खोला, इसका 3-4 दिन का हो गया ये आज, तो नीचे खुलेगा ना तो थोड़ा इसको आदत पड़ जाएगी ना इधर उधर घूमने की माँ के साथ अपनी, तो फिर इसके लिए जैसे ये हो जाएगा महीने का ना तो उसके बाद ही अपन इसको नीचे खोलेंगे, क्योंकि अभी नेवल वगैरह है अभी भी, तो मैं छोड़ नहीं सकता इसको, ठीक है। एक ही बच्चे आपको पता है, जैसे कि अपने बड़े चिन्ने का और वो किली ताजी मुर्गी का, वरना मैं इसको अभी से खोल देता, पर अभी ये छोटा है तो इसको रिस्क नहीं लेना मेरे को, कौए वगैरह भी उठा सकता है इसको। कल दिखाया था ना मैंने कि पठियाँ इसके पर वगैरह खा रही है, तो इसका जोड़ा ना मतलब जोड़ा नहीं यार, इसको मैं अभी जो अपनी किंग वाली पठियाँ ना उनके साथ रखता हूँ, तो इसकी वाली जो पठियाँ मैंने वो अलग कर दी है, ठीक है। और क्योंकि पट्ठा मस्ती में भी आ रहा है अभी ये, तो मैं नहीं चाहता कि अभी से मस्ती में आना शुरू हो जाए और ख़राब हो जाए, उसके चक्कर में हाइट वाइट रोक लेगा अपनी, तो इसको छोटी बच्चों के साथ कर दिया, जो इससे इसके साथ की ना छोटी छोटी सी अपनी है वो इसके साथ कर दिया मैंने इनको। अगर आप लोग पठियाँ तो समझ ही गए होंगे मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, जो अपनी किंग की 2 पठियाँ थी और 1 पट्ठा था, जिनमें से पट्ठा मैं अपने वहाँ उस्ताद के वहाँ छोड़ाया, ठीक है। जो पठियाँ 2 थी ना मेरे पे बाजरी छोटी छोटी सी, तो वो मैंने इसके साथ कर दिया, ये इनको मारता भी नहीं और वो इसके साथ भी रहती है अंदर आराम से, बाहर तो आपको पता है अकेली घूमती है वो, तो इसलिए मैंने इसके साथ कर दी वो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आ गए आज एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तो आज का ब्लॉग मैंने नीचे से ही शुरू किया है, ठीक है, क्योंकि आज मैं सबसे पहले नीचे चूज़ा लेके आ गया था, चूज़े नहीं बोल सकता, एक ही चूज़ा है, चूज़ा लेके आ गया था, उन्होंने भाई नीचे आए मिट्टी में पूरा खेल रहे थे भाई यहाँ पे, ठीक है। चूज़ा भी लिट रहा था भाई, पूरा चूज़ा लिटने में लगा पड़ा था, तो अभी बाकी चलो करते हैं शौक वो, आज शायद से मुर्गी बिठा दूँ अपनी, क्या नाम है उसका, बाजरी मुर्गी, ठीक है, जो अपनी वाइट लेग वाले के साथ है, उसको शायद से बिठा दूँ, आज कुड़क हो रखी है वो पूरी प्रॉपर, अभी बाकी देखते हैं। कल रात मैंने एक बार उसको हिला के देखा था, कल रात इतनी कुड़क नहीं हुई थी, अभी तक सुबह तक तो हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं नीचे हूँ अभी, ऊपर गया नहीं, पता नहीं है, जब जाऊँगा तब पता लग जाएगा। ये रही मेरी चूहिया सी छोटी सी, क्या ही बन गई यार ये, क्या बन गई, मैं तो हैरान हूँ भाई, जिस बंदे ने इसको लेने के लिए तब बोला था वो बाद में डेली कल करता रहा, वो अच्छा ही हुआ भाई, वो बंदा कल करता रहा, मैंने उसको कैंसिल ही कर दिया, इन पट्टियों को भी, कालियों को भी और अपनी ये पट्टियों को भी, इनमें से भी एक पट्टी में दे रहा था ना, ये पट्टी भी बड़ी शानदार बन गई, आपको दिखाता हूँ, रुको, चेहरा देख रहे हो भाई पट्टी का, चेहरा चेक कर रहे हो यार, ये खुद ही बाहर आ जा, ये देखो चेहरा, क्वालिटी है भाई चेहरे में, और ये तो है ही भाई, अपनी क्वालिटी में आई गई है, तो यार मैं ना आपको अपना देसी दिखाता हूँ, तो मैंने उसका नाम भी देसी रख दिया, ठीक है, वो मेरे को है भी, हमारा है भी देसी, ठीक है, तो आपको मैं अपने देसी से पिलवाता हूँ, तो आप लोग सोचो वैसे कौन सा हो सकता है देसी, मैंने किसको देसी बोलता हूँ ग्रुप में, एक बार मैंने बोल भी दिया था, बाकी आपको मैं दिखाता हूँ मैं किसको बोलता हूँ देसी, ठीक है, हमारा देसी, तो ये तो नहीं है अपना देसी, तो ये रहा जो अपना देसी है भाई, तो इसको बोलता हूँ मैं देसी, तो ये है मेरा देसी भाई, ठीक है, अपना बड़े चीने और कल नुकेल का पट्ठा, तो यार ये मुर्गी को भगाता है, तो मेरे को थोड़ा सा इसको, अब मुर्गी को बहुत टाइम हो गया है, 1.5 घंटे से तकरीबन या 2 घंटे हो गए मेरे को नीचे ही बैठा हूँ, ठीक है, तो उनको लेके चलता हूँ ऊपर, बाकी ये रहा मेरा देसी, कहाँ अंदर घुसता जा रहा है झाड़ियों में। यार गर्मी बहुत है ना आज, तो मैं ऊपर आया था तो क्या करा, तो इसका मैंने जैसे गेट खोला ना तो ये बाहर आ गई, तो मैंने कैसे चलो खोल देते, क्योंकि मैंने कल इसको खोला नहीं, परसों भी सुबह खोला था, ठीक है, तो कल नहीं खोला तो इस करके प्यास व्यास पूरी लगी होगी इसको, तो अभी इसको खोला है, अभी भी 11 बजने वाले होंगे, तो इसको मैंने खोल दिया, तो चलो फिर से कल का दिन नहीं खोलेंगे, ठीक है, और परसों खोलेंगे अब इसको, अभी मतलब शाम को मौसम अच्छे हो जाते हैं, सुबह अगर कल को गर्मी बहुत ज़्यादा हुई तो मैं इसको पानी पिलाने के लिए खोलूँगा, ठीक है, दाने के लिए नहीं खोलूँगा इसको, सिर्फ पानी के लिए खोलूँगा। तो भाई गर्मी तो बहुत है यार, बस बच्चे निकाल दे यार, ये दिल खुश कर दे नाटी अपनी, लास्ट टाइम की तरह जिसे इसने निकाले थे भाई 11 बच्चे 13 अंडों में से, वैसे ही बच्चे निकाल दे इस बार भी 9 अंडों में से, यार 5-6 तो निकाल दे यार, ज़्यादा नहीं, चलो ऐसा नहीं कहता भाई 9 में से 9 निकाल दे या 9 में से 8 निकाल दे, 5-6 ही निकाल दे, मेरे को उतने भी बहुत हैं भाई। 5:30 हो चुके हैं, मैं ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, तो अभी इनको खोला है, किंग खुला हुआ है अपना, किंग के साथ पठियाँ खुली हुई हैं, तो मैंने वो वाली पठियाँ बोल रहा था आपको कि मैंने अलग कर दिया उससे, ठीक है, अपने देसी से, तो उससे अलग कर दिया है,
क्योंकि ये पठिया जो है ना उसके पर खाने लग गई थी पट्टों से, और वो अच्छा नहीं लगता अगर पट्टों से पर गायब हो जाए। आपको दिखाता हूँ कौन सी, अब इन दोनों में से कौन सी पठिया पर खा रही है ये नहीं पता, मेरे ख्याल से वही खा रही होगी क्योंकि वो केली सर पर है, इसको भी सर पर नहीं होने दे रही, इसकी दुम आ रही है, दुम भी नहीं इसकी बची हुई ठीक है वापस से, तो मेरे ख्याल से यही पट्टी खा रही है, जबकि नीचे भी खुलती थी फिर भी बदतमीजियों पर उतरी हुई थी। ये अलग खा रही है, वो अलग खा रहा है, इनका झगड़ा हो गया क्या आपस में। तो फिर से भाई बच्चे ने पोटा भर रखा है, मैंने अंदर ही लगा रखी थी, तो मैंने सभी फिर से थोड़ी सी यहाँ पे गिरा दी, मैंने कहा खानी होगी तो खाएगी ठीक है, वरना यहाँ पे पड़ी रहेगी, ये लोग यहाँ पे पैर वैर मारते थे, इतनी सी मिट्टी हम लोग यहाँ पे उठा ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे पैर मारने आते रहते ठीक है पिछली सी अपनी। तो इसको उठा के देखता हूँ उठ रही है क्या, तो ये बैठी है, तो इसको उठाते हैं, इसको दाना वाना खिलाते हैं और आज शाम को बिठाते हैं इसको अच्छे से। आजा 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 आजा। तो ये जब क्रेट में बैठ जाएगी ना भाई एक बार फिर नहीं उठती है, आप लोगों ने पहले भी इसको देखा होगा जब मैंने अंडों पे बिठाया, एक बार अगर ये पूरे अंडों पे बैठ गई ना तो इसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, इसको निकालना ही पड़ता है, खुद ही अपनी मर्जी से उठ के आती नहीं है बाहर। ये रहा अपना व्हाइट लेग वाला और बाजरी ठीक है, तो बाजरी को जैसे कि आपको पता है मैंने बताया कि आज अपन अंडों पे बिठा देंगे ठीक है, तो फाइनली अपने पास अभी अपने 6 टाइम चैम्पियन के बच्चे आ जाएंगे, बस दुआ करना कि ये मादी जो है बच्चे निकाल दे, ये भी 9 अंडों पे बैठेगी, और जो अपनी पिड्डी है जो कि नाटी जिसको अपन बताते हैं ठीक है, वो भी अपनी 9 अंडे पे बैठी है। जो अपना किंग है ना ये एक बार यार पहले जैसा सर पर हो जाए, जैसे मेरे पे पहले था ठीक है, जैसे मेरे पे रहता था ये सर पर बिल्कुल प्रॉपर, उस इसकी यार खूबसूरती थोड़ी ना जो यार वो नहीं आ रही है यार पता नहीं 1.5 साल से ठीक है, जब अपने पास था तब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जब इसकी नोक वगैरह टूट गई तो उसके बाद से मैंने इसको प्रॉपर खूबसूरती में नहीं देखा, अब इसकी नोक आ गई तो ये झाड़ में मुर्गी ने मतलब मुर्गी ने खा लिया इसके पर वगैरह, तो अब देखते हैं यार ये कब आएगा मतलब प्रॉपर अपनी खूबसूरती में जो इसमें है ठीक है ना, प्रॉपर सर पर होता है ना यार तो ये इसमें ना मतलब जचता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसकी दुम भी एकदम ऐसी है पूरी चौड़े वाली और नीचे को है खरदुम्बा नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, जिसने इसकी पुरानी वीडियोज़ वगैरह देखी इंस्टाग्राम में उनको पता होगा ठीक है इसकी खूबसूरती के बारे में किंग की, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है यार ये। यार सारे बर्ड्स जितने भी अंदर है ना जितने भी अंदर है सबका मतलब खाना पीना हो गया, ये जो बाहर घूम रहे हैं इनमें से इसी का रहता है, बाकी ये तो पट्ठों का पट्टियों का इनका सबका हो ही रखा है, इनका बस बंद करना है सिर्फ, बस ये रहती है, इसने भी दाना खा लिया है, मैं सोच रहा हूँ पानी पी ले, पानी पीनी है तो मैंने कहा चलो जितनी खा रही है उनको खाने देता हूँ, स्लेटी को पकड़ता हूँ जल्दी से, उस खुड्डे में अभी है क्योंकि उसको लास्ट वाले में करना है ना, तो इसको पकड़ लेता हूँ अभी। गाइस तो सारे के सारे बंद हो गए हैं ठीक है, तो मैंने अभी क्रेट भी तैयार कर लिया जिसमें मैंने बिठाना है, फट्टा भी उसका ढूंढ लिया, बस इसके अंदर मैंने कपड़ा और ईंट लगानी है ताकि अंडे ना ज़्यादा इधर उधर उड़के ना ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो ये रही क्रेट, ये रहा इसका ऊपर का ढक्कन, तो इसके अंदर कपड़ा लगाऊंगा ठीक है भाई, तो ये वाले कोने को दीवार के साथ रखूँगा यहाँ पे टूटा हुआ है, तो या तो फिर उसी में बिठा दूंगा वापस से, उसमें ऊपर से खुला भी है, बाकी या तो इसी में देखता हूँ ठीक है जो भी होगा, बाकी देखते हैं इसमें कपड़ा आएगा यहाँ तक, यहाँ पर ईंटें आएंगी दो ताकि अच्छे से रहे अंडे। गाइस बाकी यही थी अपनी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।